पापा के घर से हर समस्या का समाधान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको बताते रहेंगे घर और रसोई से जुड़ी रोचक चटपटी छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स रेसिपीज और ढेर सारी कहानियाँ, जिनको अपनाने से और एक बार ट्राई कर लेने से आपको आपके जीवन में मिलेंगी ढेर सारी तालियाँ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखिएगा बेल आइकन दबाना ना छूटे, क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। बैंगन के चिप्स की सब्जी बनाई है क्या कभी? नहीं बनाई तो आइए सीखिए, खाइए, बताइए कैसी बनी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को जरूर देखें। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बैंगन की सब्जी किस तरीके से बनती है। ये मैंने छोटे छोटे बैंगन है, जो गोल बैंगन होते हैं वो लिए हैं। ये देखिए इसको हमने कैसे काटना है वो बताते हैं, और इनकी सब्जी कैसे बनेगी। चलो आज मिलके देखते हैं कि नई तरह की सब्जी बैंगन की हम कैसे बना रहे हैं। आज हम मिलके बैंगन की सब्जी कैसे बनेगी बताते हैं। मैंने तीन बैंगन ले लिए हैं, बहुत अच्छे से तीन बैंगन गोल बैंगन है। इनकी सब्जी हम चिप्स बनाएंगे पहले, फिर हम इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले तो ये वाला हिस्सा इसका हम काट लेंगे इस तरीके से, फिर हमने इसे बहुत अच्छे से गोल चिप्स की तरह हमने काटने हैं। चिप्स मतलब ये गोल है, इनको इस तरह से हम काटेंगे बहुत ही अच्छे से। और बहुत ही नरम वाले बैंगन है मेरे पास, इनको हम इस तरीके से काटेंगे, या आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं। इसके किनारे बिल्कुल अब राउंड में बैंगन आ रहा है, ये देखिए इस तरह से हमने सारे बैंगन को काट लेना। इसकी डंडी हटा लेंगे सबसे पहले, ये वाले ऐसे, तो फिर हमने इस तरीके से आप भी सोच रहे होंगे कि बैंगन के चिप्स, लेकिन बैंगन के चिप्स इसको सब्जी समझिए, चिप्स समझिए। आप इसको खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और आप सोचेंगे हमने इससे पहले ऐसी सब्जी खाई तो नहीं है, लेकिन अब हम रोज़ बनाएंगे, और पहले क्यों नहीं बनाई थी या हमें पहले क्यों नहीं पता लगा। तो ये है बैंगन की सब्जी, हमने इसको सबसे पहले ये काटते हैं ना। अब तो आपको पता लगेगा कि हमने बैंगन के चिप्स किस तरीके से काटते हैं। ये हमारा इसी तरह से सारे के सारे बैंगन कट गए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, काटते वक्त आप बिल्कुल अपने हाथ का जरूर ध्यान रखें, किसी से बातें नहीं करें, हाथ कट जाता है तो दिक्कत सिर्फ खाना बनाने वाले को होती है। बाकी सब तो यही कहते हैं कि हमें खाना दो खाना दो। ये मैंने ये काट लिया है, धो लिया था आपके सामने हमने सबसे मिल के, और अब हम सब मिल के इसके चिप्स बनाएंगे। तो चलिए अब हम गैस जला लेते हैं, और इसमें हमने पैन रख दिया है, उसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, हल्का सा जब गर्म होगा तेल, देखिए तेल गर्म हो रहा है। अब हमने इसको फास्ट पे गैस कर दिया ताकि तेल थोड़ा जल ले। जलने के बाद ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही हम इसे थोड़ी देर, तेल गर्म होने पर हम बैंगन इसमें बनाएंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, धुआं उठने लगा। जैसे ही धुआं उठता है तो समझो तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम गैस को कर देंगे सिम, कम गैस कर देंगे
और हमने इसमें बैंगन को तलना है। तले या गरम करें या बनाएंगे, सबसे पहले हमने इसमें बैंगन को इस तरीके से बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से हमने बैंगन रख दे। थोड़ा सा इन्हें हिलाते रहे ताकि ये जले नहीं, और अगर आपको लगता है कि तेल कम है तो आप और डाल लें, नहीं लगता ये और इसको पलट के देख लेते हैं बना है या नहीं बना। अभी नहीं, अभी तो टाइम है और हमने सिम किया था तो इसलिए समय तो लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार पहली बार अच्छे से बना लेंगे तो फिर आप शेक को कम या ज्यादा किस तरह से करना है आपको पता लग जाएगा। इसको आप रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन सूखी सब्जी को भी तेल में बनाते हैं तो ज्यादा टेस्टी बनती है। देखिए बहुत अच्छे से बन रहे हैं। इसको आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। के है। तो एक और डाल देते हैं इसको, ज्यादा है क्योंकि हम मैंने अपने चैनल पे जो भी कभी बताया कि चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना, उसको खराब नहीं इस्तेमाल। तो यहाँ जगह बन गई थी तो थोड़ा सा छोटे होते जाते करने की बात है, तो एक और डाल दी ताकि ना गैस वेस्ट करें या ये वो कह लें कि जब ये बैंगन थोड़े से पक जाते हैं या समझदार हो गए हैं तो इन्होंने दूसरे के लिए भी जगह बना ली है ना। अच्छी बात, जैसे इंसान समझदार ऐसे जो चीज़ खाते हैं वो भी समझदार है, तो इन्होंने दूसरे को जगह दे दी तो हमने उसको भी रख लिया। देखो बहुत अच्छे से बन गया, इसको हमने पलट कर ऐसे दूसरे भी देख लीजिए अभी नहीं हो इसको थोड़ा घुमाते हैं ताकि एक जगह से नहीं पके और ना ही चले। अगर हाथ नहीं लगा सकते तो दूसरा इस तरीके से आप ले लें। तो ये तो सबके पास होता ही है, आप इसको प्रॉपर इस तरीके से यूज कर सकते। देखिए थोड़ी सी कसर है ऐसी है। बहुत ही बेहद आसान तरह की सब्जी है, इसको मैं बैंगन के चिप्स की सब्जी कहती हूँ। आपने देखा सभी चिप्स के भी सब्जी बनती है, तो ये है बैंगन के चिप्स की। एक तो चिप्स और ऊपर से बैंगन के चिप्स, आप भी सुनकर हैरान हो रहे होंगे लेकिन फिर भी आप खाना जरूर एक बार, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये कैसे हमसे बिना जानकारी के रह रही थी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हल्के हल्के सेक पे हमने बनाया, क्योंकि ये स्टील का है इसलिए आप इसको लोहे का कोई तवा ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन फ्लैट इसलिए है कि इसमें ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन कोई ज्यादा समय नहीं लगा हमारा बनाने में, जितना समय हमने उधर लगाया उससे थोड़ा कम समय दूसरी साइड में लगेगा। हमारा नरम भी हो रहे हैं, ये काफी नरम हो रहे हैं। ये देखिए फोगा अंदर जा रहा है, इसके अंदर थोड़े नरम हो रहे हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखो जो तो हमने सबसे लास्ट ये वाला डाला था, ये भी काफी अच्छे से बन रहा है। हमारी मेन यही है कि इसको हिलाते रहना, हमने कोई भी ऐसा नहीं छोड़ना जो हमने इसे हिलाया नहीं है, नहीं तो क्या होगा
जल जाएगा। जलने में पता क्या है, हमने टाइम भी ज्यादा लगाया, सेक भी ज्यादा लग गया, चीज जल गई ना, और खाने वाला भी ना इतना मजे से हम बनाए, परिश्रम करें, तो क्या कहेगा, चले बिस्मिल आ रही है बस, उसने इतना बोलना है और हमारी सारी मेहनत बनाने वाले की खराब। और जबकि खाने में मेहनत थोड़ी लगती है, खाना बनाते वक्त हमें सिर्फ प्यार से बनाना होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप खाना बनाएंगे प्यार से तो सभी प्यार से खाएंगे। थोड़ा सा स्लीप में थोड़ा सा तेज करके देख लेती हूँ, कहीं आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। लेकिन आप शुरू शुरू में मत करना तेज सेक, जब आपको आ जाए बनाना तभी आप सेक तेज करना, ठीक है। कहीं जल जाए तो फिर आपको भाई हमें तो सेक तेज कर लिया था, नहीं बात तो हम तो नहीं करते, तो आपने इसे कम सेक पर ही बनाना, ठीक है। ये मेरी आपको एक बार की गुजारिश है, उसके बाद आप अपनी चीज को कैसे बनाते हैं, कैसे खिलाते हैं, ये आपके ऊपर है। और अपने दोस्तों को जरूर बताना, ये फॉरवर्ड जरूर करें इसे। अगर देखो कितना बढ़िया हो गया, मैंने इसे कम कर दिया दोबारा दोनों साइड से, ये देखो बहुत ही बढ़िया सब बन गया। अब ये कच्चा नहीं रहेगा, बहुत ही बढ़िया। अब असली में ये बन गया, ये देखिए बहुत ही अच्छे से, और इसको अब हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में, निकाल लेते हैं इसे, और फिर बाकी भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं, और इसे गर्म होने देते हैं। जैसे इसमें धुआं उठने लगेगा तब हमने इसमें बैंगन की चिप्स डाल देते हैं। जिसने पहले नहीं देखा हो वो एक बार फिर देख ले कि तेल को हमने गर्म कैसे करना है। सेक मैंने फास्ट कर दिया, फास्ट पे हॉट करेंगे तेल को। हॉट करने के बाद जैसे ही धुआं निकलने लगे हो गया, तो ये हमारा तेल हो गया गरम। तो अब हमने इसमें चिप्स डाल दिए, बहुत बढ़िया से हमने हमारे, और सेक को हमने कर देना है सिम। इसी तरह से हमने ये भी बना लेने हैं, तो आपका टाइम ना लगे। यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, पॉज कर देती हूँ, दोबारा फिर चलाते हैं। देखिए ये भी तलते तलते हमारे थोड़े छोटे से हो गए, तो इन्होंने भी यानी ये पकते पकते ये थोड़े समझदार हो गए, है ना। तो अब इन्होंने भी एक जगह बना ली, तो अब हम इसमें एक बैंगन और डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने बैंगन डाल, इसको हम पलटेंगे इसी तरीके से। इस तरह से हमारे ये बैंगन भी बन गए, तो इनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये इस तरीके से उठा के हम इसे जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा तेल निकल गया, और हम इसको अलग रख देते हैं। ये मेरे पास थोड़े से और थे, तो देखा आपने छोटे से बैंगन थे तीन, तो उसमें ही हमने काफ़ी सारे चिप्स बना लिए। सेक हमने सिम ही रखना है, आपने भी देखा जब मैंने थोड़ा तेज किया तो वो जल्दी जल्दी पक गए, जलने के नज़दीक आ जाते, तो हम मुझे तो पता था जल्दी कैसे पलटने। इसलिए आप एक बार पहले नरम कम पे बना लेना, उसके बाद फिर आप सेक तेज करें, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हमने फ्राई पैन रखा, आप इसको हैंडल से पकड़ के ऐसे भी हिला सकते हैं, हैंडल है इससे पकड़ के आप ऐसे भी हिला सकते हैं। सेक देखिए मैंने सिम रखा हुआ है ऐसे,
लेकिन इस तरीके का हिलाने से ना कई बार क्या होता है कि बाहर भी गिर सकता है या कोई बच्चा आ जाए तो कुछ है। तो सबसे सेफ तरीका हमारा यही है कि हम इसको इस तरीके से हिलाएं, क्योंकि खाना भी हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान हमें ही रखना है ऐसे, और उनकी सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी होनी चाहिए। जब हम सुरक्षित रहेंगे या आप सुरक्षित रहोगे, खाना अच्छा बनेगा, सब खुशी खुशी खाएंगे किसी। और एक बार इसको हम थोड़ा पलट के देख लेते हैं, ये देखो बन गया हमारे बहुत अच्छे से। बातों बातों में पता ही नहीं लगा कि हमने इतने सारे चिप्स बना लिए। ये देखो बहुत बढ़िया बन गए, कच्चे भी नहीं है। कई बार कोई कहता है कच्चे हैं तो ये देखो। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे। दूसरा जो मैंने तेज से किया था ना उसमें बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे, तो इसमें कैमरे में तो वो काले काले दिखते हैं, तो आप भी सोच रहे होगे कि जल गए, लेकिन वो जले नहीं है, लाल हो गए। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे बना लिया है। अभी थोड़ी सी कसर है, हमारे हो गए। ये देखिए दूसरी साइड से बन गया है, और मैंने अब गैस कर दी है बंद। इनको अब हम निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया से बन गया ये भी। देखिए इनको निकाल लेते हैं, इनका तेल जो है निकाल के इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने इसके ऊपर रखी गई थी, तवे के ऊपर मैंने रख दिए, पर इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ गरम इसी में गरम में हल्के से ये डाल देने, ऐसे काला नमक डाल दिया मैंने थोड़ा सा, और ये काली मिर्च इस तरीके से डाल देने। तो ये तो हो गए हमारे चिप्स की तरह बन गए। जो हमारे चिप्स की तरह बन गई है, देखिए बहुत बढ़िया से। इसके दूसरी साइड भी हमने काला नमक डालना है, इस साइड लगा लिया और दूसरी साइड पर लगा लेते हैं काला नमक और काली मिर्च, बस और कुछ नहीं डालना। इधर भी मैंने काला नमक डाल दिया और ये काली मिर्च। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। दूसरा ये जो ये हमारा तेल बचा हुआ था उसको हमने यहाँ रखा है, और थोड़ा कम कर लेना है क्योंकि तेल तो हमारा ऑलरेडी इसमें काफी सारा है, तो नहीं है बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसको और भी कम कर लेते हैं कि मुझे ज्यादा तेल अच्छा लगता नहीं, आपको भी क्यों खाने दो भाई। मैं तो इसमें मैंने डालना है, गैस जला लेती हूँ। इसके अंदर भी मैंने डाल दिया थोड़ी सी हींग, काला नमक, काली मिर्च, और ऊपर से हमने डाल देना है थोड़ी सी अजवाइन। दोनों साइड से लगा है इसके मसाले को, और ये भी हमारा बहुत टेस्टी लगेगा। ये मसाला नीचे उसको इस तरीके से आप कर लें, थोड़ा थोड़ा तो मैंने इसमें चुटकी भर डाली है अजवाइन, जिंजर पाउडर डाला थोड़ा सा, हींग डाली है, हींग, काली मिर्च, काला नमक और
थोड़ा सा सफेद नमक यदि आपको चाहिए। और अब ये बनके आपको तैयार हो गए हैं। आप इसे रोटी के साथ खाएं, वैसे खाएं, इसमें और कुछ भी हमने नहीं डालना। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चिप्स की सब्जी तैयार, बैंगन के चिप्स की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। चलो फिर आप खाते हैं, है ना। रोटी बनाइए, घी मत लगाना उसके भी चाहे तो बहुत अच्छी लगेगी। घी लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ये इसके ऊपर सारा मसाला जब लगता है ना जवैन, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अब हमारी मसाले वाली सब्जी तैयार है। ये देखिए बहुत बढ़िया। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बैंगन की सब्जी इतनी आसानी से भी बन जाएगी और इतने डिफरेंट तरीके से। जो बैंगन नहीं भी खाते ना, वो भी बैंगन की सब्जी को खाने के बाद खुशी से बैंगन की सब्जी खाना शुरू करेंगे। तो ये सिर्फ काला नमक और काली मिर्च डाली है मैंने, और ये सब्जी हमारी है जिसमें सारे मसाले मैंने डाले हैं और इसके अंदर डाले थे। फ्राई पैन में हम सब ने मिलकर बनाई, बहुत स्वादिष्ट सब्जी है, टेस्टी है। चलो फिर आप इसको एंजॉय करते हैं, घूम घूम के खाएं या झूम झूम के खाएं। ठीक है, ओके, बाय, खुश रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।